गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, क्लास LKG हिंदी स्टूडेंट। आज आप लोग दो वर्णों से बने बिना मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में आप लोग अ से ज्ञ तक के वर्ण पढ़े हो। वर्ण जैसे अ से ज्ञ तक वर्ण होते हैं, उसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। आपको प्रीवियस क्लास यानी पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए हैं, तो अभी आपको कल फिर से आपको स्वर और व्यंजन बताए थे। वर्ण अब देखिए, यहाँ पर दो वर्णों से बने शब्द पढ़ाएंगे। कल तो आप केवल वर्ण पढ़े थे, आज आप लोग दो वर्णों से बने शब्द पढ़ेंगे। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए, ठीक है। न धन ल बराबर न ल, ह धन ल बराबर ह ल, ध धन न बराबर धन, थ धन न बराबर थन, व धन न बराबर वन, फ धन ल बराबर फल। तो स्टूडेंट, ये दो वर्णों से बने शब्द हैं और इसे आप चित्र देखकर ध्यान से इसके नाम याद करिए, क्योंकि आगे आपको होमवर्क दिया गया है इससे संबंधित, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे ज धन ग बराबर ज ग, ठ धन ग बराबर ठ ग, देखिए म धन ग बराबर म ग। यहाँ दो वर्ण यही है, म वर्ण और ग वर्ण मिलाकर एक शब्द बना म ग। तो इसे हम वर्ण अलग अलग अक्षरों को वर्ण बोलते हैं। अगर दो अक्षरों को एक में जोड़ देंगे या तीन अक्षरों को एक में जोड़ देंगे तो उस तरह से आपका शब्द बन जाता है। तो आप वर्ण पढ़ चुके हो, अब आप वर्णों को जोड़कर शब्द पढ़ रहे हो। तो देखिए द धन स, तो ये द और स दो वर्ण मिला है, दो वर्ण मिलाकर द धन स, दोनों को जोड़ देंगे तो दस बन जाएगा। दस एक वर्ण हो गया, शब्द एक शब्द हो गया दस। तो ठीक है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए चित्र को और उसको पढ़ते रहिए, उसका नाम देखते रहिए। र धन स बराबर र स, ब धन स बराबर ब स, ब धन स बराबर ब स। आगे देखिए, यहाँ पर वर्ण दिया गया है, वर्णों को जोड़कर शब्द बना है, अलग अलग वर्ण दिया है, अ और ब, अ ब मिलाकर अब ग ब। तो स्टूडेंट, ये मिलते जुलते शब्द आप इसमें से आपको मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे आपको अभ्यास के लिए मिलते जुलते शब्द इसमें से दिया है लिखने को। तो आप ध्यान दीजिए, अब के मिलते जुलते शब्द जैसे क ब, ज ब ये सब हैं, अब अब क और ब मिलाकर क ब, ज ब ज और ब मिलाकर जब। तो ये समझ लीजिए कि अब कब जब ये मिलते जुलते शब्द हैं। यहाँ पर देखिए जय 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 हो गया भ और य भय, ल य लय। तो देखिए जय के मिलते जुलते शब्द हैं जय भय लय, ठीक है। ज ल ज और ल मिलाकर जल हो गया, क ल क ल, न और ल ये दो वर्ण मिलाकर न और ल मिलाकर न ल। तो स्टूडेंट देखिए जल न ल कल ये मिलते जुलते शब्द हैं। जल के मिलते जुलते शब्द कल न ल फल इस तरह से हो गया, ठीक है। अब पल का देखिए, प ल पल, च ल चल, ह ल हल। तो अगर कोई आपसे अभी आपको अभ्यास के लिए दे देगा कि पल का मिलता जुलता शब्द लिखिए, तो पल
चल हल ये मिलते जुलते इसके शब्द हैं। अब देखिए ब स ब स ब और स दो वर्ण है इस विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिए ब और स मिला करके बस एक शब्द बन गया क स क स ड स ड स छ ड छड़ लड़ लड़ ज अड़, ये दो शब्द दो वर्ण है स्टूडेंट, शब्द नहीं वर्ण, दो वर्णों को मिलाकर एक शब्द जड़ बन गया। तो ऐसे ही अब देखिए ये मिलते जुलते शब्द हैं छड़ लड़ जड़, इस तरह से आपको ये एक दूसरे के मिलते जुलते शब्द हैं पर पर चर चर घर घर। देखिए यहाँ भी आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे जब आपको अभ्यास देगा कि मिलते जुलते शब्द लिखो तो आप आसानी से लिख सकते हो। तन तन मन मन धन धन। तो स्टूडेंट धन का अगर आपको मिलता जुलता शब्द लिखना होगा तो क्या लिखोगे, धन मन तन ये सब है धन का स्टूडेंट वो मिलता जुलता शब्द मन तन। अब देखिए रट रट हट हट खट खट गज गज भज भज सज सज। तो ये वर्णों को मिलाकर शब्द दिखाया है आपको, अभी हम पढ़ा दिए। अब देखिए इसको भी बोलकर पढ़ना है खत छत मत लत गत नत। तो विद्यार्थियों अभी हमें आपसे आशा है कि आप पिछले क्लास में वर्ण पढ़ लिए हो, अब दो अक्षरों वाले शब्द पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर दो अक्षरों वाले शब्द हैं मन वन तन धन थन और बन। तो इस तरह से आप मिलाकर पढ़ेंगे इसको कल पल फल नल चल बल। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि खत का आप मिलता जुलता शब्द बोलिए तो क्या बोलेंगे, खत का छत मत लत गत नत ये मिलते जुलते शब्द हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसको पढ़ने से अगर आपके अभ्यास में मिलते जुलते शब्द आएंगे तो आप आसानी से लिख सकोगे, लेकिन जब मन से पढ़ोगे तब। तो देखिए जब तब कब सब रब अब तो, डर चर पर कर भर नर डर चर पर कर भर नर थक तक थक वक शक छक हक। तो देखिए इसमें ये मिलते जुलते शब्द में लास्ट में सब में एक ही वर्ण है, ठीक है, क क क क सब में है, तो इसलिए मिलते जुलते शब्द बोले जाते हैं कि एक ही आवाज़ आ रहा है। तक थक वक शक छक हक आप सब में क क क क की आवाज़ आ रही है, इसीलिए इसको हम मिलते जुलते शब्द बोलते हैं जिसमें कि एक ही आवाज़ आपको वैसा ही बार बार बोलने में लगे। नग ठग लग पग खग मग है ना, सब में ग ग ग ग लास्ट में आ रहा है। तो कम दम हम नम थम गप गम गम। तो विद्यार्थियों इसे आप बार बार पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए, आगे आपको अभी पढ़ना है। अभी तो आप वर्ण पढ़े, फिर दो वर्णों को मिलाकर शब्द पढ़े, फिर शब्द पढ़े हो, दो वर्णों वाले शब्द पढ़े हो। अब देखिए अब वाक्य पढ़ोगे, वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो शब्द तीन शब्द मिलाकर एक वाक्य बना है,
ठीक है, तो अब आप लोग वाक्य पढ़ोगे। यहाँ दिया है वाक्यों को पढ़ो, तो देखिए इसी तरह से आपको मिलाकर वर्णों को जोड़कर लिखा है शब्द, और शब्दों को जोड़ देंगे आप तो वर्ण बन जाता है, अरे वाक्य बन जाता है। तो देखिए नल, नल पर चल, यहाँ से देखिए जय चल, जय चल लड़ मत। इस चित्र को बच्चों आप ध्यान से देखते रहिए, जय चल लड़ मत, घर चल डर मत, चल पढ़ रट मत, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसमें, देखिए एक बच्चा घड़े में जल भर रहा है, नल पर चल अब जल भर, ठीक है। सक मत कर घर तक चल, हट मत कर, यस चल कर पढ़। देखिए यहाँ पढ़ रहा है बच्चा, कल कल मत कर, पल 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 बढ़, चल पल पल बढ़, ठीक है, चल पल पल बढ़, अब हट मत कर, अब हट मत कर, ठीक है, अब झटपट उठ, अब झटपट उठ, इस रथ पर चढ़, इस रथ पर चढ़। ये आप लोग क्या पढ़ रहे हो, वाक्य पढ़ रहे हो, लव अब उठ बस पर चढ़, तन कर चल, तन कर चल, सब सच कह शक मत कर, नल तक चल, चल टब भर अब घर चल, नल अब घर चल, चल कर पढ़, अब घर चल, चल कर पढ़। आगे देखिए चित्र को, देखिए पहले यहाँ घड़ी है, यहाँ एक लड़की है, हाथ में ली है आम ली है या सेब ली है, सेब है। यहाँ देखिए एक बच्चा है, वेसिन है, तो देखिए क्या है, अब छह बज गया है, गए घड़ी में कितना बज रहा है, छः बज रहा है, तो अब छः बज गए, अब उठ मत, अब हट मत कर, अब हट मत कर, अब छः बज गए, अब हट मत कर, घर चल कर पढ़, ठीक है स्टूडेंट। ये जो खड़ी पाई होता है थोड़ा आपको रुकने के लिए होता है, तो सब फल पक गए, सब फल पक गए, बस शक मत कर, अब खत पत, अब खत मत पढ़, अब खत मत पढ़, तब भर कर रख, तब भर कर रख, यह फल मत चख, सब सच सच कह, सब सच सच कह। तो विद्यार्थियों आप ये दो वर्णों वाले शब्द हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य यहाँ बना हुआ है, तो अब आप लोग वाक्य भी पढ़ लिए, वाक्य पढ़ लिए, अब आप लोग के लिए है होमवर्क, जो आपको चित्र द्वारा पढ़ाए हैं और वाक्य पढ़ाए हैं, अब उससे संबंधित आपको मिलते जुलते शब्द और चित्रों को देखकर वर्णों नहीं चित्रों को देखकर उनके नाम पर टिक करना होगा, ठीक है।